नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम स्पिरिचुअल। आपके साथ मैं हूँ रीना। शायद ही कोई व्यक्ति होगा जो स्नान नहीं करता होगा। सभी व्यक्ति स्नान करते हैं। स्नान करना या नहाना मनुष्य के दैनिक व नित्य कर्मों क्रियाओं में शामिल है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो रोज स्नान नहीं करते। ऐसे लोग न सिर्फ शारीरिक रूप से गंदे रहते हैं, बल्कि शास्त्रों में इन्हें पापी कहा गया है। गर्ड प्राण के अनुसार सही समय पर स्नान न करने वाले, प्रतिदिन स्नान न करने वाले या कभी कभी स्नान करने वालों के बारे में भी बताया गया है। स्नान क्रिया को लेकर गरुड़ पुराण में बताया गया है कि किसी व्यक्ति को कब और किस समय स्नान करना चाहिए। सही समय पर स्नान कर आप अपने संपूर्ण जीवन सुखपूर्वक व्यतीत कर सकते हैं। हिंदू धर्म के मुताबिक महत्वपूर्ण ग्रंथ गरुड़ पुराण में स्नान के लाभ के बारे में बताया गया है। इसके अनुसार जब व्यक्ति रात में सोता है तो उसके मुख से लार, अपवित्र मल आदि गिरते हैं, जिससे शरीर भी अपवित्र हो जाता है। इसीलिए व्यक्ति को सुबह उठकर नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर सबसे पहले स्नान करना चाहिए। इसके बाद ही धार्मिक कार्य करना चाहिए। जो लोग बिना स्नान किए धार्मिक कार्य को करते हैं, उन्हें गरुड़ प्राण में पापी कहा गया है। ऐसे लोगों को पूजा पाठ व्रत आदि का कोई फल नहीं मिलता। साथ ही ये लोग जीवन में सब कुछ रहते हुए भी दुख और कष्ट भोगते हैं। ऐसे लोग जो प्रतिदिन स्नान नहीं करते या फिर कभी कभी ही स्नान करते हैं, उन्हें किसी भी काम में सफलता नहीं मिलती है। साथ ही ऐसे लोगों के आसपास नकारात्मक शक्तियों का भी प्रभाव रहता है। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि प्रातःकाल स्नान करने से पाप कर्म करने वाले मनुष्य भी पवित्र हो जाते हैं। इसीलिए व्यक्ति को सुबह के समय ही स्नान करना चाहिए। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो लोग प्रतिदिन स्नान नहीं करते, उनकी ओर नकारात्मक शक्तियाँ आकर्षित होती है। जहाँ अपवित्रता होती है, वहाँ नकारात्मक शक्तियों का वास होने लगता है। गरुड़ प्राण में अलक्ष्मी, कालकर्णी, कलेश, द्वेष, त्रुटि आदि को अनिष्ट कार्य शक्तियाँ कहा गया है। इनमें अलक्ष्मी देवी लक्ष्मी की बहन है, लेकिन इनका स्वभाव लक्ष्मी जी के विपरीत है। जहाँ अलक्ष्मी का वास होता है, वहाँ निर्धनता छा जाती है। वहीं अनिष्ट कार्य शक्तियों में कालकर्णी विघ्न डालने वाली होती है, जो कर्मों में बाधा डालती है। उससे व्यक्ति को कभी सफलता नहीं मिल पाती है। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे आने वाले वीडियोस के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।